हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। ये एक कॉमिक स्टोरी की तरह है, बिल्कुल। इसमें आपको पिक्चर्स दिखाई देंगे और साथ में उनकी बातें भी हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। ये हिल्स ऑफ फिश का सीजन था और लोग जो फिशरमैन है सिर्फ हिल्स ऑफ फिश की बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। फिशरमैन सोल नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। फिशरमैन जो है सिर्फ हिल्स ऑफ फिश बेच रहे थे और कुछ भी नहीं। सब कह रहे थे कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्स इज डाउन टूडे, आओ हिल्स ऑफ फिश ले लो, इसका प्राइस आज बहुत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। जो हाउस होल्डर्स हैं वो भी सिर्फ हिल्स ऑफ फिश की ही बात कर रहे थे। लेडी बोलती है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्स ऑफ, पूछती है कि तुमने कितना पे किया हिल्स ऑफ के लिए। जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है यू वुड नॉट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, तुम विश्वास नहीं मानोगी अगर मैंने तुम्हें बता दिया। एंड इन द पैलेस टू द कर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। और जो पैलेस जो राजमहल था वहाँ पे भी जो दरबारी लोग थे वो सिर्फ हिल्स ऑफ फिश की ही बातें कर रहे थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्स आई कॉट इट वॉज। एक दरबारी राजा से कहता है कि तुम्हें आपको आज देखना चाहिए था, मैंने जो हिल्स ऑफ फिश आज पकड़ी थी। स्टॉप इट, राजा कहता है स्टॉप इट, रुक जाओ। Are you a courtier or a fisherman? क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक फिशरमैन हो? The courtier fell silent with a downcast eyes. जो दरबारी होता है वो साइलेंट हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। The king felt guilty. राजा को भी गिल्टी महसूस होती है। I'm sorry I lost my temper. It is a season for hill service and no one. फिर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है कि सॉरी मैंने अपना आपा खो दिया, क्या हर जगह लोग हिल्स ऑफ फिश की ही बात कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम द टॉकिंग अबाउट हिल्स ऑफ फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल भी यह चीज़ नहीं रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता कि लोग हिल्स ऑफ फिश की बातें ना करें। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, गोपाल कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो राजा उसको एक चुनौती देता है कि ठीक है तुम एक huge hilsa fish खरीद के लेके आओ और पैलेस में लेके आओ और लोग उसके बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। I accept the challenge, your majesty. गोपाल कहता है ठीक है मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। A few days later, कुछ दिनों बाद जो गोपाल की पत्नी होती है वो कहती है वाई इज योर फेस हाफ शेवन, क्यों तुमने अपनी सिर्फ हाफ शेविंग करी है अपने चेहरे पे। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, वो कहता है कि मैं एक फिश खरीदने जा रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योरसेल्फ विद ऐश, वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने मुंह पे राख क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्स ऑफ फिश, वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं हिल्स ऑफ फिश खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? वो कहते हैं तुम ऐसे नहीं जा सकते ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के। How many times must I tell you, woman? I am out to buy a huge hilsa fish. वो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। It's happened to him. He is gone mad. उसकी पत्नी कहती है लगता है ये पागल हो गया है। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. उसने हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। एक छोटा बेबी कहता है कि मदर लुक एट दैट मैन, isn't he comical? देखो ये कैसा लग रहा है, एकदम मजाकिया इंसान लग रहा है। He must be a madman. एक आदमी कहता है कि ये जरूर पागल हो गया है। दूसरा कहता है I think he is a mistake. ये सच में पागल हो गया है। When Gopal reached the court, what do you want? जब वो पहुंचा राजदरबार तो जो वहाँ के दरबारी थे उसको रोक लेते और कहते तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल कहता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, कि तुम नहीं मिल सकते, तुम जाओ यहाँ से। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, जो गोपाल है वो डांस करने लगता है और गाने लगता है बहुत जोर जोर से। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. जो राजमहल के अंदर राजा कहता है कि आदमी पागल हो गया है, इसे बाहर फेंको।
वो तब भी बाहर से आवाज आ रही होती है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर लेके चलो। तब राजा कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कहते चलो ठीक है एक बार उसे बुला लो। फिर दरबारी कहते हैं ठीक है। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। जैसे गोपाल सामने आया तब पता चला कि वो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। वो कहता है जो दरबारी लोग हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद ये अपना दिमाग खो बैठा है या फिर इसका कोई क्रेजी जोक है ये। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेसिंग अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। वो कहते फिर राजा पूछता है गोपाल से तुमने ऐसे क्यों कपड़े पहन रखे हैं। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, वो कहता है लगता है आप कुछ भूल गए हैं। राजा कहता है फॉरगॉटन समथिंग, भूल गया हूँ क्या। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। गोपाल कहता है कि मैं मार्केट से यहाँ तक आया हूँ, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा, सब मेरी ड्रेसिंग सेंस को ही देख रहे हैं। देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तब उसे याद आया उसने जो चैलेंज दिया था गोपाल को। हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तब वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, उसे बधाई देता है और कहता है कि तुमने फिर से एक बार असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। टिल देन कीप रिवाइजिंग, गुड डे क्लास।